हेलो फ्रेंड्स, आपण मानक इंग्लीश माराथन क्लास को स्वागत। तो फ्रेंड्स, आज आम बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कशन करिबा, एएसओ पेटेंटर क्वेश्चन डिस्कशन करिबा, जहाँकि प्रीवियस ईयर एग्जाम रे आसी पेटेंटर सब क्वेश्चन डिस्कशन करिबा, जहाँकि आपण को एग्जाम रे बहुत काम रे आसीबो। तो फ्रेंड्स, ता पूर्वर आपण जदि एएसओ इंग्लीश रो 500 क्वेश्चन नै नहांदी प्रैक्टिस सेट, जो थे क्वेश्चन सहित आंसर मध्ये अछि, किसी एक्सप्लानेसन अच्छी, तेल निहाती भाव नियंतु 79 रुपीस आपारे PDF व्हाट्सएप आपको पठाहब, थे आपड़ लाइफ लॉन्ग यूज करें। तो फ्रेंड्स, 8658984556 यही नंबर में आप मेसेज करें। PDF बुकटा 200 पेज रही। तो देखो, तो प्रथम प्रश्न अच्छी, इट्स रेनिंग हेविली, आई विश आई डैश एन अम्ब्रेला। देखु ऑप्शन कौन दे टूक हैड टेकन टेक हैज टेकन दे। तो मु बहुत थर कही इट इज रेनिंग हेविली, माने वर्तमान यहाँ बहुत वर्षा होई विश आई डैश एन अम्ब्रेला, ये कौन करना ये रिग्रेट फिल कर रिपेन्ट फिल कर गोटे छता धरिकी आसी था, कि रियली छता नहीं ना आई विश अच्छी। तो यही प्रकार रिग्रेट कि रिपेन्ट हेले कौन लगे पास्ट सिंपल होता है, यहाँ आम आगुरु बहुत थर पढ़ी। तो यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यही भाया था, एवं यही भाया क्वेश्चन ही आस विश्र निहाती भाव देखिए गोटे कि दुटा क्वेश्चन आसो, इट्स रेनिंग हेविली आई कौन हम टुक हे आई टुक एंड आई विश आई टुक एंड अम्ब्रेला। मन रखु विश जो जगार अच्छी जो जगार से रिपेन्ड कर एमती थी विश थी ता सहित से जो रिपेन्ट कि रिग्रेट करुच्चे पास्ट सिंपल हे। तो ये प्रश्न आम देखा, हि फंड्स डैश दि बुक डैश इज कलरफुल, हि फंड्स डैश दि बुक डैश इज कलरफुल। तो कौन हम ये देखा हि फंड्स कौन हम फंड सहित कौन लगे सब आम जाचे फंड अफ फंड अफ ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन रहा फंड अफ यही प्रकार क्वेश्चन गोटे निहाती भाव आसब हि फंड्स अफ दि बुक डैश इज कलरफुल। तो अफ आसीगला अफ पर कौन हुईज ना हुईज एवं हु अच्छी। तो बुक्सटा कौन बुक्सटा हूँ थिंग्स बुक्टा कौन बुक्टा हूँ थिंग्स थिंग्स कौन लगे हुईज कि दैट लगी थाए पर्सन जदि हु लगी थाए हि फंड्स अफ दि बुक हुईज इज कौन हम हुईज इज कलरफुल हे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, He is rich, he is not happy. What should be used to join the two sentence? तो ये कौन दिखाई देखो हि इज रिच से धनी अटे एवं से धनी अटे से खुशी नुह बा से सुखी नुह कौन यही दुटा सेन्टेन्स को आम जॉइंट कले कौन लगे एंड लगे कि हि इज रिच एंड हि इज नॉट हैप्पी केबे हेबो नाही। देखो एटा कंट्रास्ट करुची हि इज रिच धनी हेले जने खुशी हेबा कथा किंतु खुशी हो ना यदि कंट्रास्ट आसुची तो बेले बेले बट मध्य लगे नहले अल्दो लगे अल्दो हि इज रिच हि इज नॉट हैप्पी एटा मन रखु। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन करिबा तो टिके शीघ्र शीघ्र करिबा, यू नीड सम मनी यू रिक्वेस्ट मी रीराइट दि सेंटेंस यूजिंग वुड यू। तो ये कौन अच्छे देखो यू नीड सम मनी तुम्हें किसी पैसा तुमको दरकार पड़ी एवं तुम्हें मत रिक्वेस्ट कल रिराइट दि सेंटेंस यूजिंग वुड यू। तो यहीटा को तुम पाखे पैसा ना आमें मोठार नाक चाहूच तो वुड यू लगे कि तुम्हें मत कौन कह वुड यू लैंड मी सम मनी वुड यू प्लीज लैंड मी सम मनी वुड यू गिव मी सम मनी फॉर एवर वुड यू प्लीज गिव मी सम मनी फॉर एवर। तो देखो फॉर एवर थे जो तुम पाखे जो पैसा ना मो पाखर जो पैसा ना तुम निहाती भाव मत फेर तो ये फॉर एवर जोटा लगे से हम ना वुड यू गिव मी सम मनी फॉर एवर सबुदिन मत तुम पैसा दब ये तो कभी हम ना बाकी रही ए दुईटा वुड यू लैंड मी सम मनी वुड यू प्लीज लैंड मी सम मनी। तो ये प्लीज लगे यहाँ कौन हो मोर पोलाइट हो तो आम जितेबले जनक किसी आशा करूँ बा जनकटा जन को किसी मागू आम पोलाइटली मागि था कि धमक चमक देखिए तुम्हें माग कि पोलाइटली मागि था वुड यू प्लीज लैंड मी सो मनी से सेकेंडटा करेक्ट हे।
तापरे अच्छी देखु दिस इज द रीजन दैस ही विल नॉट स्टैंड बाय यू एही प्रकार प्रश्न आपण डब्ल्यूएच वर्ड लाइक निहाती भाबे एसओ एग्जाम रे आसीबो एटा मु गारंटी सहित कहबी डब्ल्यूएच रो कोन लागिबे एठी आमे देखिबा दिस इज द रीजन डैश ही विल नॉट स्टैंड बाय यू माने एटा कारण जोथि पई से तुमरो साथ देले नाही ही विल नॉट स्टैंड बाय यू से तुमको साथ देले नाही बा तुमको सहाय्य कले नाही तो कोन लागिबा आमे जानिछे पर्सन हेले डब्ल्यूएचओ हु लगे थिंग्स आसिले हुईज लगे समय आसिले कौन लगे हुएंड लगे प्लेस थिले हुएर लगे किंतु एटे रीजन अच्छी कारण थिले कौन लगे व्हाई लगे एटा मन रखु ये कथा मुझे कहती मन रखु दिस इज द रीजन व्हाई ही विल नॉट स्टैंड बाय यू रीजन जो जो आसला ये व्हाई लगे कौन लगे व्हाई लगे ये मन रखु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा She did it. She was advised. Join the two sentence and rewrite. ये भले प्रश्न निहाती भावे आसीबो तो फ्रेंड्स जो मु 500 क्वेश्चन कथा कहूँ 500 क्वेश्चन रे मध्ये ए भलिया प्रश्न अछि आपण प्रैक्टिस करी परिबे ओनली 79 रुपीस रे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे नंबर दिया है आपण कांटेक्ट मध्ये करी परिबे She did it. She was advised. She did it. She was advised. एटा को जदि आमे जॉइन करबा कोन करबा Join the two sentence and rewrite. माने एटा को जदि हमें कहिबा सी डिड इट से कला केमिति कला ना से जे माने से एमिति हिसाब रे कला जेमिति कि ताकु एडवाइस दिया हेतला तो एटा कोन हबो सी डिड इट एंड सी वाज एडवाइस एटा हबो नाही सी डिड इट व्हिच सी वाज एडवाइस एटा भी हबो नाही सी डिड इट एज सी वाज एडवाइस माने सी डिड इट एज सी वाज एडवाइस माने से कला जमीती ताकु एडवाइस करा है तला तो she did it as she was advised हबो करेक्ट आंसर she did it better she was advised इट हबो नाही his shirt is cheaper than बहुत पिला मी करिवे मी केबे हबो नाही His shirt is cheaper than mine. More shirt tharu tar shirt ta bahut sasta. Mine mane kono more more. Kintu eti my ta subject my seti pai hebo nai. Objective form re kono hebo mine hebo. To eta mone rakhantu his shirt is cheaper than mine. E prashna ta koi ghosi diantu jodi buji paru nahanti. Buji bare to kichhi nai. Eti my kai hela nai. My ta subject form re my hebo nai. Eta jetu कंपेयर करा है आई मध्य हेबो नाही इट शर्ट इज चीपर देन माइन डैश यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास डैश यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास डैश यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास माने एटा यू विल नॉट पास माने तुमे पास करिवो नाही कोनो कोले पास करिवो हार्ड वर्क कोले पास करिवो तो ये आम जी कह तुम्हें हार्डवर्क जी कर मान हार्डवर्क नक पर्यंत तुम्हें पास करना तो इफ यू वर्क हार्ड हम कि तुम्हें जी कठिन परिश्रम कर तुम्हें फेल करना यहाँ हम ना तो ये कौन लगे अल्दो कि बट कि लगे ना अनलेस अनलेस जेपर्यंत तुम्हें कठिन परिश्रम करना करना से पर्यटन तुम्हें पास कर अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास तो ये सेंटेंस को मन रखु बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेट्स गो फॉर ए वॉक एटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन अच्छी लेट्स गो फॉर ए वॉक तो जिते बिल आम क्वेश्चन टेक करी था तो ये जदि नेगेटिव ना ये नेगेटिव करी था मन कर आई हैव डन अच्छी सपोज एटा कर कौन हम हैव नॉट आई ही था क्वेश्चन टेक् कले कौन ये नट ना मैंने नट लगे कि जगह लेटस जेहतु लगी लेटस गो फॉर ए वॉक तो ये कौन हम लेटस मैंने अस को कहूँ आंभ मान को कहूँ तो उ सहित असर सब्जेक्ट फ्रम कौन उ तो ये कौन सेल उब करेक्ट सेल नट उब ना लेटस गो फॉर ए वॉक सेल उब ये मन रखु उदी करदे भूल हो
विल वी भी हेबो नाही सहित जेहेतु वी सहित साधारणतः सेल लगी थे। रवि सेड टू द मैनेजर लेट मी गो होम इन इनडायरेक्ट स्पीच व्हाट वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग भार। रवि सेड टू द मैनेजर लेट मी गो होम। रवि तार मैनेजर को कहला जे मते घर को जीवा को दियो। एटा को जदि हम इनडायरेक्ट स्पीच करिबा ताहेले रिपोर्टिंग भार कोन लागबो सजेस्टेड लागबो। रवि सजेस्टेड टू हिज मैनेजर कहबा कि रवि प्रपोज हिज मैनेजर। तो आम घुसी देसी लेट जदि लागी साधारण तो कोन लागे बोली प्रपोज लेट अस गो ऑन ए पिकनिक लेट अस गो ऑन ए पिकनिक। एटा को इनडायरेक्ट स्पीच रे कले कोन हुए माय फ्रेंड सजेस्टेड किंबा माय फ्रेंड प्रपोज हुए लेट थी कि एटी कौन लेट मी गो मैंने कौन कर मत घर को जीवाक दियो मत घर को जीवाक दियंतु। रवि ता मैनेजर को कह मत घर को जीवाक दियंतु। तो ता मैनेजर को सी कौन कर रिक्वेस्ट कर तो ये रिक्वेस्ट हे मैंने रवि रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर दैट लेट हिम गो होम। एटा हम लेट हिम गो होम एटा हम लेट जेहेतु अच्छी ये कौन हम रिक्वेस्टेड हे रिपोर्टिंग भा। व्हे आर यू फील टायर्ड व्हाट वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। व्हाट वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। व्हे आर यू तुम्हें कहीं थका अनुभव करुच हालिया जना पड़ुछ जदि पचरा जीव से कौन कह नहीं माय ब्रदर हैज प्लो द फील्ड से कह तुम्हें कहीं हालिया देखा जाऊ तो से कौन कहे ना मो भाई ये जमी को कौन कर प्लोइंग कर तो यहाँ हम ना तुम्हें हालिया देखा जाऊ मैंने तुम्हें तो किसी करता ना भाई कौटू आसब तो ये चार नंबर आउ एक नंबर हे ना केवल रहा बाकी दुईटा दुई आउ तीन। आई हाव बीन प्लोइंग द फिल्ड आई प्लो द फिल्ड अंटिल माय ब्रदर कम मैंने मु मो भाई आसवा पर्यटन मुझ कम कली। आई हाव बीन प्लोइंग द फिल्ड मान कौन मैंने मुझ फिल्ड को प्लो मान कौन से कौन प्लोइंग प्लो मैंने कौन एमती जो गोटे क्षेत थी क्षेत्र जो ये गार गार कर ट्राक्टर साहय कराए प्लोइंग कह जाए ट्राक्टर साहय लंगल साहय जोटा कराए तो सी कौन कह तुम्हें कहीं हालिया देखा जाऊ कहे से कह मुझे आई हाव बीन प्लोइंग द फिल्ड मुझे जमी को मैंने लंगल साहय जोतु मान जोति आसुच्छी मैंने से करुच्छी बहुत समय धरी कला वर्तमान करुच्चे तो से हालिया देखा जा तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हम से मन रखत। ए सेल्टर फॉर ऑर्फान्स कैन ऑल्सो बी रिटेनेज। ए सेल्टर फॉर ऑर्फान्स कैन ऑल्सो बी रिटेनेज मैंने ए सेल्टर फॉर ऑर्फान्स ऑर्फान्स देखो प्लुराल अच्छी तो प्लुराल थी आम कमी लिखि था ऑर्फान्स तो हम प्रथम ऑर्फान्स अर्फान्स है फ्रोस्टप एस लगे एमती हे कौटे अच्छे देखा अर्फान्स अर्फान सेल्टर यहाँ जोटा अच्छी आपणकर अर्फान सेल्टर कौटे अच्छे देख मैंने प्लुराल अच्छी प्लुराल अच्छी प्लुराल जो अच्छी एटी एस लगे अर्फान्स सेन्टर हे अर्फान सेन्टर सिंगुलार अच्छी यहाँ एफ्रोस्ट बेस लगि ना यहाँ मध्य लगि ना ऑर्फान सेंटर यहाँ करेक्ट हे ये प्लुराल जेहेतु अच्छी ऑर्फान सेंटर यहाँ हम तो नेक्स्ट देखा। आई एम डन फॉर द डे आई वुड नाउ आई एम डन फॉर द डे आई वुड नाउ कौन करवा आई एम डन फॉर द डे मैंने काम आज कर सारी आई वुड नाउ कौन कर आई वुड नाउ गो होम घर को जी कि कम होम हे कि कौटा भी हे बैक तो बाहर नुह आई एम डन फॉर द डे आई वुड नाउ बैक टू होम हे ना गो होम टा ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा हि वाज स्लीपिंग आई वाज रीडिंग करेक्ट दि सेंटेन्स हि वाज स्लीपिंग आई वाज रीडिंग
ही वाज स्लीपिंग आई वाज रीडिंग। तो यहाँ करेक्ट अच्छी कि करेक्ट नहीं, नो इम्प्रूवमेंट माने यहाँ हम ना हि व्वाज स्लीपिंग अल दो आई व्वाज रीडिंग जदि भी मुझे पढ़ुली से शोला शोला यहाँ हम ना व्वल हि व्वाज स्लीपिंग आई व्वाज रीडिंग व्वल हि व्वाज स्लीपिंग जिते बिल से शोला मुझे पढ़ुली यहाँ करेक्ट हम आई व्वाज रीडिंग हि व्वाज स्लीपिंग यहाँ हम ना। तो ये कौन लगे गोटे व्वल लगे व्वल हि व्वाज स्लीपिंग आई व्वाज रीडिंग ड्यूरींग दि विंटर अफ 2019 आई व्वाज इन कोलकाता व्हाट वुड दि सेंटेन्स बी इफ यू चेंज दि इयर 2024। तो ये कौन अच्छे ड्यूरींग दि विंटर अफ 2019 आई व्वाज इन कोलकाता बट पास्ट टेन्स कहते 2019 मसीह यही समय कौटी थी ना कोलकाता थी। तो यही समय को जो 2024 करदे ये 2024 जो करदे तो सही कौन हम फ्यूचर को बुझे हबो फ्यूचर टाइम को बुझे हबो। तो आई व्वाज जगह कौन हबो आई विल हबो आई विल बी हबो ड्यूरिंग दि विंटर 2024 ये खाली विल बी इन कोलकाता देखिए देखो आई दिया नहीं दे नहीं से भूल हबो ड्यूरिंग दि विंटर ऑफ 2024 आई विल बी इन कोलकाता माने 2024 मसीह मु कोलकाता थी आई विल गो टू कोलकाता हबो ना ड्यूरींग दि विंटर 2024 आई विल गो टू कोलकाता हम ना मुझी कथा मुझी ना मुझे ये कौन कह मुझी कहूँ मुझी कहूँ 2019 कोलकाता थी कहूँ तो कौन हम थी हम कि जीवी हम थी हम निहती भाव तो से आई विल बी इन कोलकाता हम तापर देखा फैट फेटर फेटेस्ट फास्टिडियस मोर फास्टिडियस मोस्ट फास्टिडियस। तो यहाँ कौन अच्छी देखो यहाँ पॉजिटिव डिग्री अच्छी तापर अच्छी कौन कंपेरेटिव डिग्री तापर सुपरलेटिव डिग्री फास्टिडियस सेमी पॉजिटिव डिग्री यहाँ कंपेरेटिव डिग्री यहाँ सुपरलेटिव डिग्री। तो सेमी बेडर कौन हम देख कन्फ्यूज कर बेड बेडर बेडेस्ट दीजिएटा ना फर्दर फर्देस्ट हम ना मोर बेड मोस्ट बेड हम ना ओर्स ओस्ट हम बेड ओर्स ओस्ट यहाँ हम करेक्ट आंसर। तो यहाँ निहाती भाव देखिए जी गोटे मार्क आसपे देखा दि प्रिंसिपल डिड नॉट डैश दि लिप टू दि स्टूडेंट्स दि प्रिंसिपल देख प्रिंसिपल को जिते बिल आम एप्लीकेशन लिखि था आम को कौन करे छुट्टी दे थाए छुट्टी दिए बा से छुट्टी को कौन कह जाए दि प्रिंसिपल डिड नॉट एलो दि लिप हे ना दि प्रिंसिपल डिड नॉट ग्रांट हे GRANT ग्रांड दि लिप टू दि स्टूडेंट यहाँ मन रखी था। हाईकोर्ट रु कि मन कर बेलटा ग्रांड है कह जाए से वार्डटा मन रखी था बेल उपर जो आसूस ग्रांट से हमें लेखा लिखा मैंने अथॉरिटी जदि कहूँ अथॉरिटी आमको ग्रांट कर जो अथॉरिटी वार्ड आसला प्रिंसिपल गोटे अथॉरिटी कहले चलो जो अथॉरिटी आसला मैंने दि ऑफिसर डिड नॉट ग्रांट द लीव टू हिज कलिग्स हो पार आसला देखो व्हाट इज एक्सटेम्पर एक्सटेम्पर मीनिंग कौन एक्सटेम्पर स्पीच कथा आप शुणी व्हाट इज ए प्रकार गोटे क्वेश्चन निहती भाव आसब एक्सटेम्पर माने कौन डन और स्पीक विथ प्रिपेरेसन डिबेट बहुत पिला डिबेट करदे डिबेट हम ना मैं एक्सटेम्पोर स्पीचटा कौन गोटे जगार किसी कागज रखाही थोड़ा से कागज लिखाही थोड़ा टपिक गुड़ाक तुम्हें जीव से कागज को काढ़ जो टपिक लिखाही थोड़ा से टपिक सीधा कह तो विदाउट प्रिपेरेसन आम कही था यहाँ डन और स्पीक विदाउट प्रिपेरेसन एक्सटेम्पोर मेनटा कौन डन और स्पीक विदाउट प्रिपेरेसन यहाँ मन रखिए दि फ्यूरी अफ दि स्टर्म रैकेट मेनी हाउस व्हाट डज दि सेंटेंस मीन दि फ्यूरी अफ दि स्टर्म रैकेट मेनी हाउस। तो यही सेंटेंस रो मीनिंग कौन फ्यूरी माने कौन भयंकरता जोटा फ्यूरियस फ्यूरी दि फ्यूरी अफ दि स्टर्म वी डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्यूरियर ये सेंटेंस तुम कौन बुझुच दि फ्यूरी अफ दि स्टर्म रैकेट मेनी हाउस वी डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्यूरियर फ्यूरी विषय आम बुझीपुना ये सेंटेन्स रु वी डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टर्म स्टर्म विषय आम बुझीपुना
द स्टॉर्म डिस्ट्रॉय मेनी हाउस माने ए तार मीनिंग होची कोन ए सेंटेंस रो द स्टॉर्म टा कोन कला बहुत गुडी को हाउस को ध्वंस कर देला द स्टॉर्म वाज सो वीक दैट कुड नॉट डिस्ट्रॉय द हाउस तो एठी हम जानिबा रैक रो मीनिंग होची कोन डिस्ट्रॉय रैक रो मीनिंग होची कोन डिस्ट्रॉय तो द फ्यूरी ऑफ द स्टॉर्म रैक मेनी हाउस तो कोन कोई परबा द स्टॉर्म कोन कला बहुत सारा घर को डिस्ट्रॉय कर देला तो ऑप्शन थर्ड हेबो करेक्ट यू नो कुड नॉट डिस्ट्रॉय दिस दि स्टॉर्म वाज सो वीक दैट कुड नॉट डिस्ट्रॉय माने डिस्ट्रॉय कर पारिला नहीं किंतु एटी कोन कहू छी डिस्ट्रॉय कला बा रैकेट कला बोली रैग रु रैकेट आसी छी तापर एटा देखिबा एई हिसाब रे गोटे क्वेश्चन आसीबो तो अकॉर्डिंग सहित कोन लागे अकॉर्डिंग टू डिपेंड ऑन भी हे थाए डिपेंड ओपन भी हे थाए तो बेस्ट ओपन एटी हम कोन करिया बेस्ट ऑन करिबा डिपेंड ओपन करिबा एवं कंसिस्ट ऑफ करिबा ऑप्शन जो हिसाब रे देथिबो से हिसाब रे बाछिबे अकॉर्डिंग टू हे थाए डिपेंड ओपन हे थाए कंसिस्ट ऑफ हे थाए बेस्ट ऑन हे थाए एटा मन रखिबे नेक्स्ट बाय दिस टाइम 2024 अशोक डैश फिनिश्ड हर फर्स्ट डिग्री इन मेडिसिन बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन एटा देखो बाय दिस टाइम माने एबे मन एबे होची 2022 मसीहा अगस्ट तो एठी कोन कहू छी 2024 अगस्ट बेल को कोन करिवो अशोक कोन करथिवो ना तार डिग्रीटा सारी थिवो फर्स्ट डिग्रीटा सारी थिवो तो एबे यदि मन कर सरी छी किछि गोटे 2022 रे यदि किछि गोटे अगस्ट सुधा सरी छी तहले तुम कोन लगेबो प्रेजेंट परफेक्ट लगेबो आई हैव डन माय कोर्स मु ई काम सारी छी बा ए कोर्सटा करि सारी छी एटा करथिवो तो 2024 बेल को से सारी थिवो बोली कहू छी सारी थी मैंने कौन कामटा सरी थी किंतु से फ्यूचर में सरी थी तो से फ्यूचर परफेक्ट हे यहाँ जेहतु प्रेजेंट परफेक्ट होता ये कौन हम फ्यूचर परफेक्ट हे तो ये कौन लगे अशोक विल हैव फिनिश्ड हर फर्स्ट डिग्री इन मेडिसिन सारी थी किसी डिफिकल्ट ना कि बहुत पिला भूल करेंगे केमी हेब नेक्स्ट क्वेश्चन को जी तो पूर्व आपने जो चैनल को सब्सक्राइब करना निहाती भाव सब्सक्राइब करूँ आपण आग को बहुत सारा प्रिपरेशन करा हबो जेकोसी एग्जाम पाई तापर देखिबा नाइदर ऑफ अस डैश डन दि वर्क एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स टेक्स ओबिडियन तो ये सब्जेक्ट बार एग्रीमेंट निहाती भाव क्वेश्चन आसीबो नाइदर ऑफ अस देखो एठी अस अच्छी एठी स्टूडेंट्स अच्छी तो नाइदर ऑफ अस किंतु नाइदर लागी अस को देखिक जो आम बहुवचन करवा प्लुराल भार्ब जो चूज करवा भूल हो नाइदर जो लगी आइदर जो लगी सिंगुलर हुए डन अच्छी तो निहाती भाव यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट हे तो नाइदर अब नाइदर जेहतु लगे सिंगुलर हे तो हेज लगे हेज कौटी अच्छे ये दुटारे अच्छी नाइदर अब अस हेज डन दि वार एव्री वन अफ दि स्टूडेंट्स डेक्स ओबिडियंट एव्री वन अफ दि स्टूडेंट्स एटी स्टूडेंट्स अच्छे ये प्लुराल अच्छी किंतु ता पूर्व एव्री वन लगी एव्री वन जदि लगे एव्री इज जदि लगुच्छे सिंगुलर होता है तो एव्री वन अफ दि स्टूडेंट्स इज ओबिडियंट हे तो कौटा ठीक है ना ऑप्शन थर्ड एटी सिंगुलर है ये सिंगुलर है नोन ए नो नाइदर जदि लगुच एवरी जदि लगुच नोन जदि लगुच ये सब सिंगुलर होता है तापर देखिबा स्विंग सुंग सुंग फ्ली फ्लैट फ्लैट हो तो यहाँ देख ये प्रेजेंट सिंपल भार एटा पास्ट सिंपल एटा पास्ट पार्टिसिपल तो ले रमि कौन हम ले रमि कौन हम ले रण हुए लैड लैट हम ना लैड लैट हम कौन हम एल ए आई डी बोथ केस कन्फ्यूज करने एल ए आई डी देटा हम ना यहाँ निहाती भाव आप मन रखु भार रखी सेंटेन्स मन रखिए अच्छी देखा इफ आई डु नॉट गो नाउ इफ आई डु नॉट गो नाउ मुझे ये जीवि ना तो कौन करी यहाँ हूँ आप देह असुस्थ रोची मैंने ठीक है प्रोब्लेम होती सरी
तो देखिबा इफ आई डू नॉट गो नाउ डैश तो आम इफ क्लोज रे कौन पढ़ीचे ये जी इफ क्लोज रे प्रेजेंट सिंपल थिबो प्रेजेंट सिंपल जो थिबो मेन क्लोज रे भी प्रेजेंट सिंपल हेबो केते बेले मेन देखो इफ क्लोज रे प्रेजेंट सिंपल थिले मेन क्लोज रे प्रेजेंट सिंपल भी हुए फ्यूचर सिंपल भी हुए आ प्रेजेंट सिंपल केते बेले हेबो जदी सेटा सत घटना हेथिबो यूनिवर्सल ट्रुथ हेथिबो साइंटिफिक ट्रुथ हेथिबो ताहेले प्रेजेंट सिंपल हेबो तो एठी आई डू नॉट गो इफ आई डू नॉट गो नाउ मुझे जदी एबे जीबी नाही तो ये कौन सी प्रकार सत घटना नुह सूर्य पूर्व दिगरे उदय हुए बरफ जलटा 100 डिग्री फुटे 0 डिग्री बरफ हुए ये सब सत घटना गुड़िक तो सेमती घटना नुह मुझे जदि जीवि ना तो ये जीत नुह यूनिवर्सल टू प्रेजेंट सिंपल ये हम ना ये कौन हम फ्यूचर सिंपल हेब तो फ्यूचर सिंपल जो हूँ इफ आई डू नॉट गो नाउ आई शैल मिस दि ट्रेन देख ये आई मिस दि बस प्रेजेंट सिंपल आई कैन नॉट मिस दि ट्रेन मुझे एवं जीवि ना तो ट्रेन को मिस करी ना यहाँ हम ना आई कैन नॉट मिस दि बस हम ना इफ आई डू नॉट गो नाउ आई शैल मिस दि ट्रेन आम एम कह माने मुझे जीवि ना मुझे ट्रेन मिस करी ना से कह जदि तुम्हें कह मुझे एवं जी ट्रेन मिस करी सेटा आम कह कि बस मिस करी से कह तो ये फ्यूचर सिंपल अच्छे ये लाइनटा तो आई शैल मिस दि ट्रेन हे नेक्स्ट व्हाट इज दि मीनिंग ऑफ आर्बोरियल व्हाट इज दि मीनिंग ऑफ आर्बोरियल आर्बोरियल मैंने कौन लिविंग और कनेक्टेड विथ ट्रीज लिविंग और कनेक्टेड विथ वाटर वाटर हेल्ले तो एक्वाटिक कह जाए लिविंग और कनेक्टेड विथ ग्रास फिल्ड यहाँ कौटा हेपटा फिल्ड बा भूमि गले से टेरेस्ट्रियल कह जाए कौन कह जाए टेरेस्ट्रियल कह जाए वाटर हेल्ले एक्वाटिक आर्बोरियल हेल्ले कौन लिविंग और कनेक्टेड विथ ट्रीज जो मैंने ट्री रे बास करती ट्री रे मेनली बास करती से आर्बोरियल कह जाए नेक्स्ट व्वेन आई रिच दि स्टेशन माइ फ्रेंड डैश मी देख मु बारंबार कही व्वेन आई रिच दि स्टेशन मुझे स्टेशन को गली ट्रेनटा छाड़ी कि जगह अलग कथा अच्छी व्वेन आई रिच दि स्टेशन मुझे स्टेशन में पहुँचली पहुँचले पहुँचल माई फ्रेंड्स तुम्हें जो कौन दिखाई वेलकम कथा कह तुम्हें स्टेशन में पहुँचल कि तुम सांग मैंने वेलकम करेंगे तो दुईटा घटना एका संगे घटू तो दुईटा घटना एका संगे घटे बोथ केस पास्ट सिंपल हेब एवं गोटे घटना जदि व्वेन आई रिच दि स्टेशन दि ट्रेन हेड लेफ्ट हेब ट्रेन जब छाड़ी आगु आगु जो घटनाटा घटी तेल पास्ट परफेक्ट हुए कि जगह कौन हो मैंने मुझे स्टेशन को पहुँचल मो सांग मैंने मतलब वेलकम कले माने तुम कटक रु आसुच बालेश्वर कि कटक रु भुवने सरी भुवनेश्वर आसुच भुवनेश्वर तुम सांग अच्छा तुमको से मैंने स्टेशन में पहुँचल ओल्ल कि तुम सांग तुमको वेलकम कले तो माई फ्रेंड्स वेलकमड मी हेब व्वेन आई रिच दि स्टेशन माइ फ्रेंड्स वेलकम मी नेक्स्ट मे आई यूज योर फोन मे यू लिव लंग इट मे रेन व्हाट डू दि सेंटेंसेस एक्सप्रेस तो यही जगह रे देखो ये तीनोटी जगह रे कौन लगे ना मे लगे मे आई यूज योर फोन मे यू लिव लंग इट मे रेन तो यही मेटा क्यों हिसाब से व्यवहार होती मेटा क्यों हिसाब से यही मेटा क्यों हिसाब से होता आम देखा तो देखो मे आई यूज योर फोन मु तुम फोन को यूज करी कि परमिशन मागुची तो यहाँ परमिशन है मे यू लिव लंग तुम्हें दीर्घजीवी हुओ यहाँ कौन आशीर्वाद शुभेच्छा यटा उइस कह जाए उइस डिजायर बोली के कहना यहाँ उइस तापर इट मे रेन वर्षा हो पारे यहाँ हूँ पॉसिबिलिटी कौन पॉसिबिलिटी तो कौन कौन है परमिशन उइस पॉसिबिलिटी परमिशन उइस पॉसिबिलिटी ऑप्शन सेकेंड अच्छी तो यही हिसाब से क्वेश्चन आपण आसब देखा ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल डैश दिस पोस्ट यू मस्ट अप्लाई डैश दि कलेक्टर फॉर फिलिंग योर एप्लीकेशन द कलेक्टर ऑफिस इज एडजेसेंट डैश दि वीडियो तो यहाँ प्रिपोजिशन कथा आसुची तो देखा तो ये कौन अच्छी ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल सहित कौन लगे फॉर लगे ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर
फर कोकोटा अच्छे ये दुईटा अच्छे बाकी सब कटिगला ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट यू मस्ट अप्लाई डैश द कलेक्टर विथ द कलेक्टर केबे हेबो नाही देखो विथ द वी मस्ट अप्लाई विथ द कलेक्टर हेबो नाही अप्लाई टू द कलेक्टर हुए तो ये कटिगला तो ऑप्शन फोर निहाती भावे हेबो तथापि आम देखीदेबा ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट यू मस्ट अप्लाई टू द कलेक्टर फॉर फिलिंग योर एप्लीकेशन दि कलेक्टर ऑफिस इज एडजेसेंट टू दि वीडियो एडजेसेंट टू माने पाखापाखी लागिकी रहिबा एडजेसेंट टू दि वीडियो तो ऑप्शन फोर हेबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज मोर पोलाइट एज ए रिक्वेस्ट ए चारोटी सेंटेंस भितरु कोटा पोलाइट रिक्वेस्ट करा जाउछि कुड यू लेंड मी योर कार प्लीज विल यू लेंड मी योर कार कैन यू लेंड मी योर कार प्लीज शैल आई टेक योर कार ऑन लोन तो आम आरंभ आगु जाने ना उड जो लगी उड यू लैंड मी योर कार यहाँ थी पोलाइट रिक्वेस्ट बोले आम जानू कि आ गोटे कथा मन रखु उड यू लैंड मी योर कार यहाँ मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट कुड यू लैंड मी योर कार उड एवं कुड जो लगुच यहाँ मोर पोलाइट रिक्वेस्ट बोली जानवे तो ऑप्शन फास्ट हे कुड यू लैंड मी योर कार प्लीज तुम्हें मत तुम कार किसी समय पर देव कि कुड एवं उड एटा लागिले मोर पोलाइट रिक्वेस्ट होता है नेक्स्ट व्हाट डज द फॉलोइंग सेंटेंस रियली मीन ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स तो सब बेले मन रखु आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्वेश्चन दुई तीन टा अति कम आसा प्रैक्टिस करेंगे आम जो यहाँ तो 51 नंबर क्लास 51 आपणकर या पूर्व 50 क्लास आम कर प्लेलीस्ट को जीवे देखु निहाती भावे सबू भिड आपण को निहाती भावे काम आसो ता सहित 500 क्वेश्चन निहाती भावे नियंतु प्रैक्टिस करूँ आपण काम आसब व्हाट्सएप नंबर मेसेज करूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तार नंबर दिखाई तो देखा व्हाट डज द फॉलोइंग सेंटेंस रियली मीन ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स से कौन करुच्छे ना 5 घंटा धरिकी शोई आसुअ मैंने एबे जी 8 बाजि माने से केतेटारु सोइलाणी ना 3टारु सोइलाणी माने एटा 8 PM जदि हेतिबो से 3 PM रु सोइलाणी से सोई आसु अछि माने कोन वर्तमान मध्य सोउछि तो सेटा देखिबा ही इज स्लीपिंग ऑन 4 आवर्स एटा हबो नाही ही हैज लॉस्ट सेंस ऑफ टाइम माने 5 घंटा सोइलाणी माने तारो समय ज्ञान नै सेटा हबो नाही एंड ही इज स्टिल स्लीपिंग वर्तमान मध्य से सोउछि एंड ही इज स्टिल स्लीपिंग हबो करेक्ट आंसर तो मन रखु जिते बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्वेश्चन आसूत से आगु घटनाटा घटूला शोवा घटना घटूला एवं बर्तमान मध्य से घटना घटू कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन केवल घटु घटना आई एम स्लीपिंग माने बर्तमान मुझे शोचे आई हाव बीन स्लीपिंग माने आगु शोली एवचा देखा डैश डु यू wish to see dash wishes to see you तो एटा आपन गोटे प्रिवियस ईयर क्वेश्चन ए हिसाब रे आसीबो dash do you wish to see तुम्हें कहा को देखिबा को चाहू छ एवं किए तुमको देखिबा को देखो एटा केमेदी क्वेश्चन whom do you wish to see whom do you wish to see तुम्हें कहा को देखिबा को चाहू जो सेफ्टी पई whom एला Who wishes to see you? Who wishes? तुमको किए देखा चाहूँगी तो ये whom एवं who हेबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट द गर्ल्स आर प्लेइंग व्हाइल द बॉयज वेयर डांसिंग माने द गर्ल्स आर प्लेइंग झील मैंने खेला खेलुला बेले पुआ मैंने कौन करुले ना डांस करुले तो ये व्हाइल कौन बुझौच द गर्ल्स आर प्लेइंग व्हाइल द बॉयज वेयर डांसिंग माने एट सो मदर टाइम व्हाइलटा कौन को बुझे झील मैंने खेलुला बेले अलग समय पुह मैंने नाचुले से ही समय पुह मैंने नाचुले एट सेम भेन्यू मैंने जगह से ही जगह पुह मैंने नाचुले एट दि डिफरेन्ट भेन्यू से ही जगह अलग जगह पुह मैंने नाचुले कौन हम एक्चुअली दि गर्ल्स आर प्लेइंग झील मैंने जितेबले खेलुले पुह मैंने नाचुले तो से सामान समय कथा कह दुईटा घटना जब एक संगे घटिले से ही जगह व्हाइल लिखा जाए एक संगे घटिले एट द सेम टाइम आई केप्ट द फास्ट फॉर ए मंथ आई कैनॉट फास्ट एनी मोर
I ran fast, still I could not catch the fast train to Bandra. तो ये फास्ट पार्ट ऑफ स्पीच एटा कौन ये कह चूज दि पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ फास्ट फास्टा क्यों हिसाब से व्यवहार है देखिबा। तो देखु प्रथमे आई केप दि फास्ट फॉर मंथ माने मु गोटे मास में उपवास रखी उपवास फास्ट उपवास माने कौन नाउ आई कैन नॉट फास्ट एनी मोर माने कैन नॉट आई कैन नॉट डू I cannot go, I cannot swim, do swim एटा कौन हुए बाहर से हिसाब से आई कैन नॉट फास्ट मुझे उपवास करी नहीं बाहर है। I ran fast, मु द्रुत दौड़ी पारे बा मु द्रुत दौड़िली केमिति दौड़ल ना द्रुत गति रे दौड़िली तो क्या ए फास्टा मॉडिफाई करछि कहा विषय अधिक कथा कहूँ ना दौड़ा विषय कहूँ केमिति दौड़ल ना द्रुत बेगरे दौड़िली तो फास्टा हूँ कौन एडभार्ब जेहेतु रेन को भार्ब को मॉडिफाई कर एडभार्ब स्टिल आई कुड नॉट कैच दि फास्ट ट्रेन टू बांद्रा माने मु दौड़िली तथापि मु बांद्रा को जो ट्रेन जाऊँ को ट्रेन ना फास्ट ट्रेन ट्रेनटा केमिति ना फास्ट ट्रेनटा कौन नाउन फास्टा कौन हम नाउन को यहाँ मॉडिफाई करुछि नाउन को मॉडिफाई करुछि केमिति ट्रेन ना फास्ट ट्रेन सुपर फास्ट ट्रेन सुपर फास्ट एक्सप्रेस एटा फास्ट ट्रेन माने ट्रेन को जेहेतु मॉडिफाई करुछि एटा हला एडजेक्टिव नाउन को जोटा मॉडिफाई करे एडजेक्टिव भार्ब को जोटा मॉडिफाई करे एडभार्ब तो कौन हला नाउन भार्ब एडभार्ब एडजेक्टिव नाउन भार्ब एडभार्ब एडजेक्टिव नाउन भार्ब एडभार्ब एडजेक्टिव तो ऑप्शन फोर। तापर देखिबा समवन स्टोल माय पर्स इन पैसिव वॉइस समवन स्टोल माय पर्स इन पैसिव वॉइस कौन हम किए मोर किए जड़े मोर पर्स को चोरेला तो बहुत सारा आम करे ये करवा कौन अच्छी समान है सब्जेक्ट स्टोल है भार्ब माय पर्स है ऑब्जेक्ट तो पैसिव रे कौन करवा प्रथम ऑब्जेक्ट को लिखा फास्ट टाइम है तो एस वीओ बाछबे सब्जेक्ट भार्ब ऑब्जेक्ट बाछबे दुई नंबर कथा है ऑब्जेक्ट को लिखे ऑब्जेक्ट है कौन माय पर्स तापर तीन नंबर काम है भार्ब को देखा भार्ब है कौन स्टोल स्टोलटा क्यों फॉर्म रे अच्छी ना पास्ट सिंपल रे अच्छी पास्ट सिंपल रे थिले पैसिव रे कौन हुए वाच किंबा वेयर लगे वाच किंबा वेयर सहित भार्ब रो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो वाच वेयर स्टोलन हो माय पर्स जेहेतु सिंगुलर वाच एथिरु आसला वाच माय पर्स वाच आउ स्टोल रु कौन आसला स्टोलन आसला माई पर्स वाज स्टोलन सरीगला एटा है एक्टिव रु पेसिव खाली पास्ट सिंपुलटा कौन चेंज हुए पेसिव रे वाच किंबा वेयर ता सहित भार तीन नंबर कौन एटा टिके मन रखा पड़ो तो माई पर्स वाज स्टोलन कौन हम माई पर्स वाज स्टोलन आ गोटे हिसाब से मध्य आपण करिपारिबे देखंतु जानि नहंदी आमे जानिजे हैज बीन कते बेले हुए जते बेले हैज थिबो एक्टिव रे जितेबले हैज थिबो हैज बीन हुए तो हैज नाही एटा कटिगला हेड बी हेड स्टोलन अच्छे हेड थिले जाए हेड स्टोलन हम एटा कटिगला हु वाज स्टोलन माय पर्स क्वेश्चन तो केबे हबो नाही एटा कटिगला आराम से दुई नंबर ऑप्शन भी आपण चूज करि पारिबे। तापर देखिबा आई हैव नॉट मेड यू रिसेंटली आई हैव नॉट मेड यू रिसेंटली ए फ्रेज क्लोजेस्ट टू रिसेंटली वुड बी रिसेंटली रो रिसेंटली को किए ये क्लोज मीनिंगटा कौन रिसेंटली आई हैव नॉट मेड यू रिसेंटली तो यटा को बुझा जब आम मुझ तुमको रिसेंटली देखिना रिसेंटली देखिना मैंने कौन रिसेंट पास्ट रे देखिना रिसेंट पास्ट रे ताकू देखिना तो रिसेंटली रो मीनिंग हूँ कौन आर्ली हेबो ना लेटली हेबो लेटली इक्वल टू रिसेंटली आई हैव नॉट मेड यू लेटली रो मीनिंग हूँ लेटली भी दे पार आई हैव नॉट मेड यू लेटली तार मीनिंग हूँ रिसेंट पास्ट ताकू भेटी ना तो रिसेंटली मीनिंग है लेटली इन रिसेंट इयर्स कि रिसेंट फ्यूचर जो करेंगे भूल स्पॉट द इनकरेक्ट सेंटेंस एठी कोटा इनकरेक्ट सेंटेंस हमें देखिबा स्पॉट द इनकरेक्ट सेंटेंस डोंट जज पीपुल एटा ठीक अच्छी आई कैन रन फास्ट
एटा मध्ये ठीक अच्छी। यू कैन ओनली गैस एटा मध्ये ठीक अच्छी। सी इज ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर एटा कान को ठीक लगुच किंतु भूल अच्छी। देख जिते बिले दुई जन भितर कंपेरिजन हुए कौन हवा कथा कंपेरेटिव डिग्री हवा कथा। ब्यूटीफुल कंपेरेटिव डिग्रीटा कौन ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल दुई जन भितर कंपेरिजन कले मोर ब्यूटीफुल हे तो सी इज ये कौन होगा कथा मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर होगा कथा किंतु हेना तो से भूल। नेक्स्ट रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ व्हाट माने व्हाट रु आरंभ करवा अर्थ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस रे लिखिबा। राम इज ए भेरी इंटेलिजेंट बॉय राम इज ए भेरी इंटेलिजेंट बॉय एटा को आम कौन करवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस रे लिखिबा। व्हाट माने एटा क्वेश्चन नो देखो एक्सक्लामेटरी मार्क अच्छे ये से एक्सक्लामेटरी लिखिबा। राम इज ए तो फॉर्मूला मु लिखु जी देखंतु व्हाट जदी अछि व्हाट परे परे ए लागिबो हला तापरे कौन लगे व्हाट ए एठी जो तुम कौन थी ना एडजेक्टिव जोटा थोटा लगे बयर एडजेक्टिव इंटेलिजेंट व्हाट ए भेरी भेरी इंटेलिजेंट व्हाट ए भेरी इंटेलिजेंट आसला एटा इंटेलिजेंट लिखीदेली फर्मूला है व्हाट प्लस ए प्लस एडजेक्टिव व्हाट ए भेरी इंटेलिजेंट तापरे नाउन आसब बॉय राम ये जहाँ थी लिखिदेव राम इज व्हाट ए भेरी इंटेलिजेंट बॉय राम इज कौट से व्हाट ए भेरी व्हाट अच्छी मैंने ए निहाती भाव लगे कि हाउ थी ए लगे ना व्हाट ए भेरी इंटेलिजेंट बॉय राम इज तो फर्मूला कौन है व्हाट परे परे आसला व्हाट परे परे ये सब लिखीदे आ गोटे फर्मूला है व्हाट परे परे ए ठार स्टार्ट कर लास्ट पर्यटन लिखिले व्हाट ए भेरी इंटेलिजेंट बॉय तापर एटा को ता पर को नहीं गले एटा हो फर्मूला जो हिसाब से आप बुझे बुझे कौन करेंगे यही ए रु दिभाग करदे व्हाट लगला व्हाट ए भेरी इंटेलिजेंट बॉय होगा ता पक्ष को रामिज को नहीं जावा कि हाउ थी अलग प्रकार हुए से नेक्स्ट क्लास बतेबी। नेक्स्ट स्पॉट द ऑड वर्ड एठी कौटा ऑड अच्छी मॉडर्न मॉडर्नाइजेशन मॉडर्निटी मॉडल तो ये तीनोटी शब्द देख मॉडर्न सहित संश्लिष्ट मॉडर्न रु मॉडर्नाइजेशन होती मॉडर्निटी मध्य कि मॉडलटा गोटे अलग शब्द मॉडर्न सहित कौन से तार रिलेसन ना तो से मॉडल है ऑड वर्ड ऑड माने भिन्न ऑड माने अजुग्म नुह जो मैंने मैथ पढ़ुच ऑड माने अजुग्म नुह भिन्न इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डच नेवर अपीयर इन द करेक्ट ऑर्डर माने यही सेंटेंस गुड़ाक नेभर जो लगी कौ सेंटेंस रे ठीक भाव लगी तो ये कौटी लगी देख हि टक्स इल नेभर ऑफ हिज फ्रेंड्स ये लगी हि टक्स नेभर इल लगी हि टक्स इल ऑफ हिज फ्रेंड्स नेभर शेष लगी हि नेभर टक्स देख ये भा पूर्व लगी तो कौन ठीक लगी तो प्रथम कथा है नेभर गोटे कौन नेभर गोटे हूँ आपणकर एडभार्ब एडभार्ब एवं एडभार्ब ऑफ टाइम एटा एडभार्ब ऑफ टाइम जमी ऑलवेज ऑफन नेवर एवर ये सब हूँ एडभार्ब ऑफ टाइम एवं यही एडभार्ब ऑफ टाइम कौटी लगे यहाँ बार पूर्व लगे जो बार को से मॉडिफाई करुच्ची ता पूर्व लगे बार पूर्व लगे बार बेटी कौन टक्स माने से केबे खराब कथा कहे ना ता सांग विषय खराब कथा कहे ना खराब कथा कहे ना केबे भी खराब कथा कहे ना से कहवाको यहाँ मॉडिफाई करुच्ची तो बार पूर्व लगे मैंने कौन टक्स पूर्व लगे हि नेभर टक्स इ लव इज फ्रेंड्स यहाँ मन रखु एडभार्ब ऑफ टाइम जब दे सब बार पूर्व बसइबे। नेक्स्ट आई डोंट नो हिज एज बट हि सीम्स क्वाइट ओल्ड व्हाट डज क्वाइट मीन हियर आई डो नट नो हिज एज मुझे एज विषय जाणी ना किंतु से कौन देखा जाऊँगी ना क्वाइट ओल्ड देखा जाऊँगी मान टे बयसिया देखा जाऊँगी मानने वयस्क देखा जाऊँगी तो क्वाइट रीनिंगटा कौन क्वाइट रीनिंग हूँ फेयरली यहाँ मन रखते क्वाइट रीनिंग हूँ फेयरली साइलेंटली ओल्ड ओल्ड लुकिंग ओल्ड ये तो सीम्स दे लुकिंग आव हेबना फेयरली हे नट फेरी यहाँ भी हेबना मन रखु क्वाइट मीनिंग हूँ फेयरली।
तापरे देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वर्ड फॉर्मेशन कोटा करेक्ट वर्ड फॉर्मेशन देखिबा अप्रोचेबल आसीची अप्रोचेबल देखो अप्रोच रे यदि ईबीएलई लागबो सेटा अप्रोचेबल केबे हेबो नाही ईबीएलई होची अप्रोच रे बीएलई होची तापरे अप्रोच अप्रोचेबल माने कोन अप्रोचेबल माने होची जोटा अप्रोच माने कोन अप्रोचेबल माने होची जोटा पहुंचीबा पहुंचे ही पारी हबो तो एबुल निहाती भाव एबुल माने कोन सक्षम तो अप्रोच रे एबुल जदी लागुची अप्रोचेबल होची एटा ठीक हबो एपीपीआरओ सीएचए एटी ए गुटे अधिक देछि देखो एटी एबुल लागिला एटी एबुल लागिला आमे देखि देले तो टिके जदी मिस्टेक रे एटा को चूज कर देले भूल हे जइबो अगेन एटी अधिक ए देछि किंतु एटी ए नाही अप्रोच प्लस एबुल अप्रोचेबल तो टिके टिके ध्यान देबा को पड़िबो जते बेले भी ऑप्शन चूज कर छथि एमिति कन्फ्यूज करिवो एमिति कन्फ्यूज करिवो आउ टिके देखि देबा रहंतु ए क्वेश्चन रे व्हाट ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय व्हाट ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय राम इज होची किंतु एठी रे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नाही एटा को जदी चूज करिवे ताले भूल हे जइबो व्हाट ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय राम इज तो एटा करेक्ट आंसर हबो तो एटा टिके भूली जाइतिले एक्सक्लेमेटरी मार्क बिषय रे कहबा पई तो एक्सक्लेमेटरी मार्क भी देखिबे ए स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स ए फ्लॉक ऑफ शीप ए हर्ड ऑफ केटल ए डैश ट्रीज तो एटा कोन ग्रुप को जोटा बुझौची ए फ्लॉक ऑफ केटल माने बा ए हर्ड ऑफ सॉरी ए हर्ड ऑफ केटल माने गोरु पळ पळ जोटा बहुत गाय जो जगह रे थिबे सेटा ए हर्ड ऑफ केटल को आ जाय शीप शीप माने जदी गोटे जगह रे अछंती से माने ए फ्लॉक ऑफ शीप ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स मध्य को आ जाय ए ग्रुप ऑफ स्मगलर्स मध्य को आ जाय तो ए स्वार्म ऑफ इंसेक्ट इंसेक्ट जदी बहुत सारा इंसेक्ट गोटे जगह रे अछंती ताको ए स्वार्म ऑफ इंसेक्ट पाइले तो ए ग्रुपिज्म टा टिके पढिबे ग्रुप टिके पढिबे ए ग्रुप ए सॉरी ए ग्रुप ऑफ ट्रीज हे बेटा ए ग्रुप ऑफ ट्रीज हुए कौन हुए ए ग्रुप ऑफ ट्रीज हबो नेक्स्ट आई एम वेरी टायर्ड आई वुड रेदर एटा एक्चुअली एमिति अछि माने एटा आई एम वेरी टायर्ड आई वुड रेदर देखो तमे कोन हिच आई एम वेरी टायर्ड माने मु हालिया हे गलिनि कोन मु आउ जमा काम करबि नै आई वुड रेदर नॉट वर्क एनी मोर हेबो देखो वुड रेदर पर नॉट लागि थाय आई वुड रेदर नॉट हेबो वर्क एनी मोर मु आउ काम करबि नै नॉट टू वर्क मोर एटा ए दिटा भितर डिफरेंस देखो आई एम वेरी टायर्ड आई वुड रेदर नॉट टू वर्क मोर माने मु टायर्ड हे गलिनि नॉट टू वर्क मोर माने कोन बेसी काम करिबि नाही किछि काम करिबि मु टायर्ड हे गलिनि किछि काम करिबि एयर मीनिंग सेटा किंतु एयर नॉट वर्क एनी मोर मु आउ काम करिबि नाही त कोन हो तुमे पूरा टायर्ड जदि हे जाय छ तुमे आउ काम करिया को चाहिबो कि आई एम वेरी टायर्ड आई वुड रेदर नॉट वर्क एनी मोर हो ए दुटा भितर से डिफरेंस नॉट टू वर्क मोर माने आई वुड रेदर नॉट टू वर्क मोर माने काम करिबो किंतु बेसी काम करिबो ना आई नॉट टू वर्क मोर देखिबा एटा ही सीम्स ग्रेटली इरिटेटेड डैश माई रिफ्यूजल ही सीम्स टू बी ग्रेटली इरिटेटेड डैश मी देखो एठी इरिटेटेड अछि एठी भी इरिटेटेड अछि ही सीम्स ग्रेटली इरिटेटेड इरिटेटेड सहित कोन लागिबो देखिबा प्रीपोजिशन जोटा अछि तो जेते बेले कोनोसी थिंग थिंग को बुझौछि एटा कोन पर्सन देखो मी अछि एठी थिंग अछि ही सीम्स ग्रेटली इरिटेटेड एट माई रिफ्यूजल माने से कौथरे इरिटेटेड है जिते बेले मुझे मना कली मना करवा गोटे मनीष नुह कि गोटे जीव नुह से गोटे थिंग मना करवाड लगला हि सीम्स टू बी ग्रेटली इरिटेटेड एगेन्स्ट मी हे पर्सन विषय जदि इरिटेटेड लगुच एगेन्स्ट लग तो ऑप्शन फास्ट हम करेक्ट यूज आर्टिकल कालिदास रोट मेघदूत गीता इज हॉलीवुड गीता इज हॉलीवुड ही ओन सिंगर कप तो एटा केमिति कन्फ्यूजन क्वेश्चन के देखिबा तो देखंतु
कालिदास रोड मेघदूत मेघदूत पिला मैंने कौन करेंगे ना मेघदूत पूर्व दी लगेदेवे गीता इज ए होली बुक गीता गोटे होली बही तो दी तो निहाती भाव लगे ही ओन दि सिंगर कप आम कप पूर्व दी लगे ये जानी तो दी 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 करदे कौ ऑप्शन को चूज करेंगे ये चूज करेंगे कि भूल अच्छी ऑप्शन सेकेंड हे कहीं मेघदूत कौन से होली बुक नुह तो से मेघदूत पूर्व दी लगे कालिदास रोड मेघदूत ठीक अच्छे यहाँ ए कौन सी आटिक लगे ना दि गीता इच ए होली बुक हि ओन दि सिंगर कप तो ऑप्शन टू हे करेक्ट चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ आम करवा तो फ्रेंड्स ता पूर्व जदि आप चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ आउ निहाती भावे जदि भल लगे ये भिडियोटा कमेंट तो गोटे निहाती भावे करूँ लाइक मध्य करूँ देखो चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच ही सेड टू मी आई हैव रिटर्न फ्रॉम मार्केट एटा आम इनडायरेक्ट स्पीच रे करिबा ही सेड टू मी अच्छी एटी कौन अच्छी ऑब्जेक्ट अच्छी तो कौन लगे तो मन रखु ही सेड दैट एटी हेब ना ही टोल्ड मी हेब ही सेड टू मी ही सेड मी दैट हेब ना ही टोल्ड मी हेब कहीं ऑब्जेक्ट जो लगी जगह ये टोल्ड हो जाए ही सेड मी हे सेड टू मी जगह ही टोल्ड मी दैट कौन हम आई हैव रिटर्न फ्रॉम मार्केट तो ये टेन्स कौन अच्छी पास्ट टेन्स अच्छी कौन अच्छी प्रेजेंट टेन्स अच्छी तो ये प्रेजेंट टेन्सटा कौन हम केवल पास्ट टेन्स को कन्वर्ट हो किसी भी चेंज हम ना बहुत केस पास्ट पास्ट थे अलग करते ये जेहतु प्रेजेंट टेन्स अच्छी प्रेजेंट टेन्सटा कौन हम ये प्रेजेंट परफेक्ट जेहतु अच्छे से पास्ट परफेक्ट हे प्रेजेंट कंटिन्यूअस थी पास्ट कंटिन्यूअस होता प्रेजेंट सिंपल थी पास्ट सिंपल होता एटी कौन अच्छी पास्ट अच्छी जेहतु प्रेजेंट अच्छी तो यहाँ पास्ट परफेक्ट को जी हि टोल्ड मी दैट आई जगह कौन हम हि जेहतु से मत कह हेब जगह कौन हम हैड हि हैड रिटर्न फ्रम मार्केट हि टोल्ड मी दैट हि हैड रिटर्न फ्रम मार्केट हे ये जी दी लगी थी दी लगे तो यहाँ थी आज डिस्कशन आम पखापाखी 50 क्वेश्चन कवर कर नेक्स्ट वीडियो रे भिडियो 50 क्वेश्चन करवा एएसओ पेटेंट रो निहाती भावे आपण धैर्य धरिकी आसंता काली अमूल्य रु शेष पर्यंत वीडियो टिकु देखिबे कहीं एग्जाम आउ मात्र 5 दिन रु काली हेले 4 दिन रहिबो तो 4 दिन रे आपण को बहुत काम देव 100 जदि क्वेश्चन आपण डिस्कशन करिकी जदि जाउछंती ता सहित से 500 क्वेश्चन यदि नहीं ना निहाती भावे नियंतु व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट करूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दिया है।